हेलो एंड वेलकम बैक सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे पास तो उसमें हम करने जा रहे हैं आज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सो वी हैव सेवन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से बैच ऑपरेटिंग मल्टी प्रोग्राम्ड मल्टी टास्किंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लस्टर्ड और एम्बेडेड। अब हम देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं चलिए सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मल्टीपल यूज़र टू यूज़ इट एट अ सेम टाइम ये ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ करता है सेम टाइम में उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए और कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती यूज़र के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ठीक है सेकेंड क्या है दिस इज़ डन बाई हैविंग यूज़र सबमिट देयर जॉब्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता कैसे है यूज़र्स जो होते हैं वो अपनी जॉब्स को ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिट करते हैं और वहाँ से प्रोसेस करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आगे सीपीयू को भेजता है और सीपीयू प्रोसेस करके एक एक करके उसको प्रोसेस करता है ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन चलिए अब पढ़ते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ये बैच क्या होता है ये जॉब क्या है ठीक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है आपका तो चलिए तो हमें पता है 1950s में और 1960s में जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते थे वो आज के ज़माने के जैसे कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स नहीं होते थे वो साइज़ में बहुत बड़े होते थे ठीक है हमारे पास कोई डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं था और ना ही कोई सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस था जैसे कि अब हमारे इसमें विंडोज़ डला हुआ है एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है अगर मुझे प्रिंट कराना है कोई चीज तो मैं सीधा प्रिंट की कमांड दूंगी और प्रिंट आउट मेरा निकल जाएगा लेकिन उस टाइम में कोई ऐसा डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था ठीक है तो हम उसकी जगह क्या जो कंप्यूटर्स यूज़ होते थे ना वो लार्ज मेन फ्रेम यूज़ होते थे और जो इनपुट देने के लिए हमारे पास चीज़ें होती थी वो होती थी जैसे हमारे टेप ड्राइवर्स हो गए ठीक है पंच कार्ड्स हो गए तो पंच कार्ड्स जो होते हैं मैग्नेटिक टेप्स इनके थ्रू हम इनपुट देते थे समझ आया दूसरा पॉइंट 1950s में जो जी है जर्नल मोटर रिसर्च लेबोरेटरीज़ इन्होंने पहली बार आपका सिंगल स्ट्रीम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था दूसरा पॉइंट ठीक है और इससे क्या होता था ये क्या करता था ये एक जॉब को एक टाइम में एग्जीक्यूट करता था और डाटा जो है वो बैचेस की फॉर्म में आपके सेंड होते थे अब ये हम करेंगे Uh, आगे डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे बैच बैच के थ्रू और क्या बैचेस हैं क्या ये है? देखिए पहले तो बैच प्रोसेसिंग देख लेते हैं कि क्या है ये 1970s में बहुत पॉपुलर था जो आपकी जॉब थी वो बैचेस के फॉर्म में एग्जीक्यूट होती थी और ये सब मैंने आपको भी बता ही दिया है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ होते थे अब सीधा सीधा हम डायग्राम पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या होता था देखिए हम पहले जो हमारे पास मैग्नेटिक uh, टेप्स होती थी या फिर मैं कहूँ पंच कार्ड्स ठीक है पंच कार्ड्स की हेल्प से इनपुट डाटा देते थे वो इनपुट डाटा जो आज के टाइम पे हम सिर्फ एंटर करके दे देते हैं पहले ऐसे नहीं होता था पहले होते थे हमारे पास पंच कार्ड्स इस तरीके जैसे ओ शीट होती है ना उसी तरीके से आपके पास होते थे पंच कार्ड्स तो इस तरीके से होल्स होते थे उसमें ठीक है ये थे होल्स और इस तरीके का दिखता था आपका एक पंच कार्ड एक ओ एम आर शीट की तरह तो जब यूजर को कोई डाटा देना होता था तो वो इस पंच कार्ड पे अपना पूरा का पूरा डाटा को अपलोड कर देता था डेटा अपलोड कैसे करेगा जैसे कि हमने पढ़ा था पहले बाइनरी जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है ज़ीरो और वन की फॉर्म में ठीक है तो हमने देखा था वन टू थ्री ए बी सी इसको हम बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बता भी रखा है किसी ना किसी वीडियो में अदरवाइज आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो मैं ये आपको सिखाऊंगी भी कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ सिर्फ़ हम एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ बट ये नहीं है कि इसका कोड यही है ठीक है जैसे कि ए का कोड हो गया हमारा ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो तो इसमें जब हम इसे ए को फीड कराएंगे अपने पंच कार्ड पे, तो हम यहाँ पर दो होल्स बनाएंगे इस यहाँ पर होल को छोड़ देंगे ठीक है इसको क्या करेंगे होल तो होगा ये पर ये कवर्ड रहेगा यहाँ पर दो होल्स होंगे तो जब ये मैग्नेटिक जब ये पंच कार्ड आपका पंच कार्ड रीडर में जाएगा जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा तो होगा क्या यहाँ से लाइट पास होती है ठीक है जहाँ जहाँ से लाइट पास हो गई वो ज़ीरो कंसीडर कर लेगा जहाँ से लाइट पास नहीं हुई वो उसको वन कंसीडर कर लेगा ऐसे उसको पता चल जाएगा कि ए लिखा है बी लिखा है जीरो लिखा है वन लिखा है टू लिखा है तो वो अपनी एक कोडिंग होती थी पंच कार्ड्स में ठीक है क्या होता था जो यूज़र था ना वो अपना जो भी इनपुट था जो भी डेटा था जो भी टास्क परफॉर्म कराना था उसको फॉर एग्जांपल उसको एक प्रिंट प्रिंटिंग करानी है किसी चीज़ की तो उसने उस पर वो टास्क दे दिया ठीक है पंच कार्ड पे उसने ये बता दिया कि इसमें मुझे प्रिंटिंग करानी है तो यहाँ उसने क्या करा एक टास्क दिया उसी टास्क को जो टास्क को यूज़र परफॉर्म कराना चाहता है उसी टास्क को हम बोलते हैं जॉब ठीक है चलिए अब मैं आपको आगे आगे हम देखते हैं कि अब जैसे क्या हुआ कोई यूजर है तो पहला उसने क्या करा पहला यूजर ने एक जॉब है ठीक है पहली जॉब दी दूसरे यूजर ने जॉब टू दी तीसरे यूजर ने जॉब थ्री दी फोर्थ यूज़र ने जॉब फोर दी फिफ्थ ने फाइव दी और इस तरीके से जॉब एन तक एन यूज़र्स थे जिनकी अलग अलग जॉब्स थी मतलब अलग अलग टास्क उन्होंने दिए क्या कहने का मतलब है अपने अपने पंच कार्ड्स उन्होंने दे दिए ऑपरेटिंग सिस्टम को अब ऐसा तो है नहीं जाके ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे क्या होता था कंपनीज़ होती थी ठीक है अलग अलग ऑपरेटर्स uh, होते थे जिनके पास तो वो ऑपरेटर्स को जाके ये पंच कार्ड्स थमा देते दे थे ठीक है पंच कार्ड्स दे दिए पंच कार्ड्स के बाद क्या होता था जैसे इसको प्रिंट कराना है जॉब थ्री वाले को भी प्रिंट कराना है जॉब फाइव वाले को भी प्रिंट कराना है कोई चीज़ ठीक है जॉब टू वाले को दो नंबर्स का एडिशन कराना है सिर्फ एक एग्जांपल है तो यहाँ मैंने ए लिख दिया जॉब फोर वाले को ऐड कराना है और जॉब एन वाला जो है उसको ऐड कराना है तो जो ये ऑपरेटर होता था ये क्या करता था जो सिमिलर टाइप्स की जॉब्स होती थी सिमिलर टाइप के टास्क होते थे जैसे कि जो एडिशन जिन जिन ने एडिशन कराना है ठीक है तो उसको एक बैच में कन्वर्ट कर देता था जिन्होंने प्रिंटिंग करानी है किसी पर्टिकुलर उसकी तो उसको एक बैच में कन्वर्ट कर देता था तो क्या होता था कि बैच वन में मान लो आ गया एडिशन वाला बैच टू बन गया प्रिंटिंग वाला बैच थ्री बन गया कि कोई फाइल एक्सेस करनी है और वहाँ से उसको डाउनलोड करके कुछ प्रिंट कराना है तो ये अलग हो गया ठीक है तो इस तरीके से बैचेस बन जाते थे जो कि सिमिलर टास्क जो होते थे परफॉर्म कराने होते थे उसके बनते थे बैचेस फिर क्या होता था ये जो ऑपरेटर था ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके पास वो बैचेस बन गया तो बैच वन बन गया बैच टू बन गया बैच ही इस तरीके से अलग अलग बैचेस बन गए बैच एन तक फिर क्या है जो पहला बैच था वो जाएगा सी के पास ठीक है सी क्या करेगा उस बैच वन को प्रोसेस करेगा प्रोसेस करने के बाद वो सीपीयू क्या करेगा आगे आपका प्रोसेस करके आउटपुट दे देगा अगर प्रिंटर प्रिंटर को देना है तो वो आउटपुट प्रिंटर को दे देगा अदरवाइज़ जैसे भी उसको आउटपुट निकालना है वो आपका आउटपुट निकाल देगा ठीक है तो इस तरीके से वो एक एक करके बैच लेगा और बैच को ऑपरेट करेगा तो जौन सा बैच पहले आएगा जो ऑपरेटर ने पहला बैच बना रखा है वो ऑपरेटर के ऊपर है कि भी बैचेस उसने किस तरीके से डिवाइड करें तो जौन सा पहला बैच वो देगा तो सीपीयू उसी बैच को लेगा और उस तरीके से वो क्या करेगा बैच वन बैच टू बैच थ्री इस तरीके से बना देगा तो जब बैच वन एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बैच टू जाएगा सीपीयू के पास प्रोसेस होने के लिए एग्जीक्यूट होने के लिए फिर आगे बैच थ्री जाएगा इस तरीके से सारे बैचेस जो हैं एग्ज़ीक्यूट हो जाएंगे ठीक है अब इसमें आपका काम क्या था सिर्फ़ आपको पंच कार्ड ला के ऑपरेटर को देना था उसके बाद आपका कोई काम नहीं है सारा काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का है वही बैचेस बना देगा और वही प्रोसेस करा देगा वही आगे आ, काम कराएगा ठीक है आपका जो इंटरेक्शन है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्ट नहीं होता मतलब अगर आप चाहो कि भाई मेरी जॉब पहले हो जाए तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है या आप चाहो कि भाई मेरे से कोई एरर हो गया है तो मुझे उसको बीच में रुकवाना है प्रोसेस को तो वो भी पॉसिबल नहीं होता इसमें ठीक है बस तो करना बस होता क्या है इसमें कि बस काम हो जाता है और जल्दी हो जाता है बट आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते अब हम आगे पढ़ेंगे देखो जॉब जो होती है ना आपकी जॉब जो टास्क परफॉर्म कराना होता है उसमें यूजर क्या क्या देता है जो मैग्नेटिक टेप पे, आपके पंच कार्ड पे यूजर देता है कमांड डेटा और प्रोग्राम ये जॉब से अगर आपसे पूछे कि इस जॉब में क्या क्या होता है इसमें होता है आपका कमांड सेकेंड इसके पास होता है आपका डेटा और तीसरा होता है इसके पास आपका प्रोग्राम और right, ये तीन चीज़ें आपको लोड करके देनी पड़ती है अपने पंच कार्ड पे लोड करके देनी पड़ती थी जब जॉब एग्जीक्यूट हो जाती थी देखो जॉब जो होती थी ना आपकी ये वाली ये जॉब है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आई तो ये कहाँ पर स्टोर होती थी ये होती थी मेमोरी में स्टोर और जो ये एग्जीक्यूट होती थी बिना मैनुअल इंटरेक्शन के एग्जीक्यूट होती थी जब जॉब एग्जीक्यूट हो जाती थी जॉब एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है बैच वन में कौन कौन सी जॉब्स आ गई एडिशन वाली मतलब जॉब टू आ गई बैच वन में जॉब फोर आ गई बैच वन में और जॉब एन आ गई बैच वन में ठीक है क्योंकि एडिशन का उसमें हमने कराना था तो उसने रिकोगनाइज़ कर लिया कि ये सिमिलर टाइप की जॉब्स हैं तो हम मैं पहले एडिशन करवा दूंगा तो बैच वन में एडिशन का भेजता हूँ पहले आगे ऑपरेटर ने ये देखा तो जब जॉब एग्जीक्यूट हो जाती थी तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मेमोरी उस जॉब ने ले रखी थी उस बैच ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखी थी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो मेमोरी को वो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ कर देता था अब क्या है इसमें देखो मान लो यहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन हो रही है बैच वन की ठीक है बैच बन गया सीपीयू के पास सीपीयू पी एग्जीक्यूट कर रहा है अब उसमें क्या है कुछ फाइल्स जो हैं उसको जाके फाइल्स फेच करानी है कहीं और, और वहाँ से फाइल्स उठानी है ठीक है इस काम में क्या है बैच वन में कि हमें कुछ फ़ाइल्स वहाँ से एक फोल्डर से उठा के किसी लोकेशन से उठा के लेके आनी है तो मेन वाइल क्या होता था जब जब तक वो जा रहा है और लेके आ रहा है और जब तक ये काम हो रहा है तब तक क्या होता था ये बैच जो ऑपरेटर था ना जो आपका सी पी यू था वो आइडल रहता था कुछ टाइम तक फ्री रहता था तो ये थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज हो जाती थी कि भाई ये टाइम है ना उसमें ये नहीं है कि भाई दूसरी जॉब एग्जीक्यूट हो जाए अगर बैच वन का कोई पहले वाली जॉब एग्जीक्यूट हो रही है बैच वन में तो वही वाली जॉब एग्जीक्यूट होगी ये नहीं है कि भाई जो नीचे वाली जॉब एग्जीक्यूट हो जाती थी ठीक है पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो पहले आएगी वो पहले काम होगा अगर उसमें टाइम लग रहा है तो जो मेमोरी थी वो क्या कुछ टाइम तक खाली रहेगी उसमें दूसरा काम नहीं होगा ठीक है बस ये था इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में चलिए आगे चलते हैं सो so, दो तरीके के आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे कौन कौन से सिंपल बैच सिस्टम और मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम तो ये ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते बस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पूछ लेगा वो कि सिंपल या मल्टी प्रोग्राम तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है फिर भी आप कहोगे तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी इसके लिए डिसएडवांटेज <clears throat> और एडवांटेज देखो क्या होता था आ, पहली चीज़ तो जब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये आपके सी पे कम लोड डालते हैं और यूज़र इंटरेक्शन मिनिमम होती है ठीक है हमें तो पता ही है कि यूज़र जो है वो सिर्फ आपका काम मैगना जो पंच कार्ड से वो ला के देना था तो इंटरेक्शन तो कुछ हो नहीं रही तो यूज़र इंटरेक्शन कम होती है तो उससे क्या होता है कई बार जैसे कि डायरेक्ट इंटरेक्शन तो कोई है नहीं तो अगर सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई कोई प्रॉब्लम आ गई ठीक है कोई जॉब फेल हो गई एग्जीक्यूट होने में तो उसको पूरी से तरीके से दोबारा से उसको शेड्यूल कराना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता था कि आप ऐसा नहीं है कि भाई बीच में आपने तो सिर्फ क्या करा अपना पंच कार्ड दे दिया जाके उसने बैचेस बना दिए वो बैचेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं अब किसी बैच में कोई जॉब में एरर आ गया तो अगर वो एरर आ गया तो क्या होगा वो प्रोसेस को आपको दोबारा से शेड्यूल करना पड़ेगा और जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था कंप्लीट करने में टास्क को फिर अगर कोई उसमें एरर है तो बैच सिस्टम को डीबग करने में बहुत ही मुश्किल आती थी क्योंकि आजकल क्या है कि अगर हमारा कोई एरर आ रहा है हम सिंपल जाके डीबगिंग कर देते हैं उसकी है ना लेकिन उस टाइम पे अगर कोई डीबगिंग उस टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें तो हम डीबगिंग नहीं कर पाते थे और बैच ऑपरेटर जो होता था ना उसको बैचेज़ की पूरी पूरी जानकारी होनी भी ज़रूरी होती थी उस टाइम पर कंप्यूटर uh, में सिस्टम के साथ जो यूज़र और सिस्टम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारा कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था अगर हमारी जॉब अगर हमारा टास्क किसी इनफाइनाइट लूप में चला गया इनफाइनाइट लूप का सिर्फ मैं एक छोटा सा वो बताती हूँ आपको इनफाइनाइट लूप का क्या मतलब है जैसे कि ऐड कर ऐड करने का कोई प्रोग्राम हमने दिया है उसको ऐड करने के लिए टास्क दिया है तो अगर वो एडिशन होए जा रही है बार बार मतलब वो स्टॉप नहीं हुआ टू प्लस टू की एडिशन मैंने दी है उसको लेकिन टू प्लस टू की एडिशन हो गई फिर आगे वो ऐड कराए जा रहे कराए जा रहा है कराए जा रहे मतलब वो एक इनफाइनाइट लूप में एंटर कर गया तो क्या होता है अगर वो इस तरीके के लूप में एंटर कर जाता है तो और जॉब्स को अननोन टाइम तक अननोन मतलब प, चाहे वो एक दिन लग जाए दो दिन लग जाए तीन दिन जब तक वो खुद से सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक वेट करना पड़ता था तो कुल मिला ये थी सारी डिसएडवांटेज फिर एडवांटेजेस क्या हैं इसकी पहली एडवांटेज है कि जो हमारा सी है ना उसका यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हो गया क्यों आ, कैसे इम्प्रूव हो गया क्योंकि देखो हमने एक बैच अब मान लो एक बैच बना दिया जिसमें एडिशन की थी तो बार बार सीपीयू को ना ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई अब मुझे ये करना है मुझे उसको पता है कि मुझे ऐड ही कराना है इस बैच को इस बैच के सारी जॉब्स को मुझे ऐड कराना है तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हो गई दूसरा प्रोसेसिंग स्पीड जो थी ना वो इंक्रीज हो गई क्योंकि अगर देखो पहले ऐड कराना हो फिर प्रिंट कराना हो फिर कहीं से फाइल फेच करानी हो कहीं से कुछ कराना हो तो अलग अलग टास्क होते ना तो सीपीयू जैसे हमारा दिमाग चलता है ना इसी तरह मशीन भी थोड़ा सा टाइम ले लेती है ना कि भाई पहले ये जॉब एग्जीक्यूट कराई फिर अलग तरीके की जॉब एग्जीक्यूट कराई फिर अलग तरीके की जॉब एग्जीक्यूट कराई पर इसमें क्या है जब उसको पता है कि बैचेस बन के सिमिलर तरीके की जॉब्स ही हैं एक चीज़ में तो वो जल्दी जल्दी एग्जीक्यूशन हो जाती है है ना फिर थर्ड पॉइंट है आपका नेक्स्ट बैच जो होता है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाता है यूज़र के इंटरेक्शन के बिना अब जैसे मैंने आपको बताया था बैच वन दे दिया बैच टू गया बैच थ्री तो पहले बैच वन एग्जीक्यूट हुआ फिर टू हुआ थ्री हुआ पर ये नहीं है कि भाई बैच वन के बाद आपको कुछ जाके उसमें इंटरेक्ट करके बैच टू को वहाँ पर देना पड़ेगा नहीं वो ऑलरेडी उसकी मेमोरी में स्टोर हो गया है जाके तो वन बाय वन वो बैच एग्जीक्यूट होता रहेगा चौथा पॉइंट क्या है कैन ईजीली मैनेज लार्ज जॉब्स अगेन एंड अगेन जो बहुत सारी लार्ज जॉब्स हैं वो बार बार ईज़िली uh, मैनेज कर सकते हैं हम ठीक है uh, तो ये देखो पहले जो हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना वो इंटरेक्टिव नहीं थे तो बट आजकल के टाइम पे जो हमारे पास अभी भी हम कई जगह बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आजकल जो है ज़्यादा इंटरेक्ट इंटरेक्टिंग आ गए हैं हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास तो अब जब जैसे कि पहले हमने आ, कोई जॉब दे दी तो हमें नहीं पता कि वो कब जाके एग्जीक्यूट होगी है ना वो कितने दिन में जाके या कितनी देर में जाके एग्जीक्यूट होगी होता क्या था आपने पंच कार्ड दे दिया अब ऑपरेटर का, का काम है बैचेस बनाना बैच बन गए कैसे बैचेस बना रहा है वो उसके ऊपर है फिर जाके वो बस कुछ टाइम बाद आपको कॉल करते थे कि भाई आपका काम हो गया आप अपना रिज़ल्ट ले जाओ ठीक है तो ये होता था बट उसमें क्या है आपके ऊपर अगर मान लो आपको जल्दी है तो आप ये नहीं है कि आप अपना कोई टास्क परफॉर्म करा लोगे लेकिन जो मॉडर्न बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं ना ये यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है इनसे मतलब अगर आप चाहते हो मेरी ये वाली जॉब इस टाइम पे एग्जीक्यूट हो तो आजकल ये चीज़ पॉसिबल है तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कि भाई आप अपने हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो तो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो तो आई होप आपको बैच ऑपरेटिंग समझ में आया होगा अब आगे एक एक करके टॉपिक डिस्कस कर लेंगे सारे ठीक है